हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में हम देखेंगे कि एल्बम्स एंड सीसी में हम वेडिंग एल्बम डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो इसमें काम शुरू करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे हम फाइल मेनू में जाते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए, एक न्यू एल्बम प्रोजेक्ट और दूसरा है न्यू इमेज। यहाँ पे है ओपन एल्बम और यहाँ पे है ओपन फाइल। एल्बम प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? एल्बम प्रोजेक्ट मतलब एल्बम सेंस के अंदर हम किसी भी पार्टी का काम स्टार्ट करते हैं तो उस पार्टी के नाम का प्रोजेक्ट बना के उसकी हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं। जनरली हम देखते हैं कि दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में आज तक मार्केट में जो लोग भी काम कर रहे हैं वो मैक्सिमम लोग फोटोशॉप में काम कर रहे हैं। तो फोटोशॉप में जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो देर इज नो फैसिलिटी ऑफ टू क्रिएट द प्रोजेक्ट। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, न्यू इमेज करते हैं, एक ब्लैंक पेज आ गया, उसमें साइज दे दिया, डीपीआई दे दिए। इतना करने के बाद हम एक के बाद एक फोटोज उसमें लगाते जाते हैं। और जनरली फोटो मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया होता है, दो तीन फोल्डर बना के रखे होते हैं। किसी एक फोल्डर में हमने पोर्ट्रेट रखे होते हैं, किसी में हमने विधि के हिसाब से कुछ फोटो रखे होते हैं, किसी फोल्डर में हमने फैमिली के हिसाब से फोल्डर रखे होते हैं। फिर हम एक कंप्लीट वाला फोल्डर बनाते हैं और एक फाइनल डिजाइनिंग वाला फोल्डर बनाते हैं। तो जैसे जैसे हम फोटो यूज करते जाते हैं तो उन फोटो को वहां से कट करके कंप्लीटेड वाले फोल्डर में पेस्ट करते जाते हैं और जो भी पीएसडी फाइल हम सेव करते हैं उसको फिनिश वाले फोल्डर में सेव करते जाते हैं। तो यहाँ पे हमें एल्बम से सीसी में क्या फायदा मिलता है कि जैसे ही हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट की मदद से क्या होता है कि हम सोर्स फोल्डर सिलेक्ट करा सकते हैं, एक से ज्यादा फोल्डर सिलेक्ट करवा सकते हैं और जो जो फोटोग्राफ्स आपके यूज होते जाते हैं उन फोटो के ऊपर एक तरह का मार्क लग जाता है। और ये प्रोजेक्ट आप जब भी ओपन करते हैं तो उस टाइम पे आपको पता चलता है कि इतने फोटो मेरे यूज हो चुके हैं। क्योंकि अगर आप जब कोई भी डिजाइनिंग का काम करने बैठते हैं तो आपने आधा घंटा पौना घंटा काम किया, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि बाकी का काम मैं रात को करूंगा या दूसरे दिन करूंगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट को सेव करके क्लोज करके रख देते हैं। फिर दूसरे दिन जब आप प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो आपको वो प्रोजेक्ट वैसे का वैसा मिलेगा, जिसमें आपको सेव पेज अलग से मिलेंगे, जो फोटो यूज हो गए हैं उनके ऊपर आपको ग्रीन वाटरमार्क मिलेगा और बाकी के जो ब्लैंक जो फोटो आपके यूज होने बाकी हैं वो अलग से आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से प्रोजेक्ट बना के काम करना हमारे लिए बहुत सहूलियत वाला होता है। हाँ, इसके अलावा भी हम न्यू इमेज करके, अगर हम सिंगल सिंगल इमेज करके काम करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, बट उसमें हमारी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती।